हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर होने जा रहा है। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 81 से 85 करेंगे और ये दोस्तों हमारा पार्ट 17 है। तो यदि चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पर तो पेज को भी फॉलो कर लें। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। ये हमारा क्वेश्चन 81 है। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समय दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले दोस्तों प्रयास की बनाने का क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान प्रश्न है, वो बनाने की कोशिश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बढ़ रहा है। प्रश्न तो इस प्रकार है, दलजीत ने जाबीर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7,500 रुपये उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1,422 रुपये प्राप्त किए, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, यह निकालना है। यानी कोई दलजीत नाम का कोई बंदा है जो दोस्तों जाबीर और कबीर को रुपया देता है, जाबीर को देता है 3 वर्षों के लिए 10,800 और रेट कुछ रहता है, रेट परसेंट कुछ रहता है, और कबीर को देता है 2 साल के लिए और प्रिंसिपल कितना रहता है, मूलधन कितना होता है, तो 7,500। तो एक बार समझ लेते हैं दोस्तों डायग्राम के माध्यम से। अब देखिए क्या बोल रहा था। देखिए, कोई दलजीत कोई आदमी है। अब दलजीत है जो दो आदमी को दोस्तों रुपया देता है, ठीक है। एक है जिसका नाम है जाबीर और दूसरा नाम क्या है दोस्तों, कबीर नाम है। ये दोस्तों समझाने के लिए है, इतना लिखना थोड़ी ना है। अब जाबीर को कितना रुपया देता है, तो जाबीर को देता है आपको 10,800 और कबीर को कितना देता है, तो 7,500 देता है। अब बोल रहा है कि टाइम जाबीर के लिए यानी समय कितना है, तो 3 वर्ष है। समय कितना है दोस्तों, 3 वर्ष है, और कबीर के लिए कितना समय है, 2 वर्ष है। और बोल रहा है कि दर बराबर हो, यानी जो रेट परसेंट है, मान लेते हैं कि रेट परसेंट आर है, तो इसका भी कितना होगा, आर होगा। अब बोल रहा है कि टोटल हमारा ब्याज मिला है उसको, जाबीर प्लस कबीर का कितना मिला है, तो टोटल ब्याज मिला है आपको 1,422 रुपया। यानी टोटल इंटरेस्ट उसको मिला है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है कितना मिला है, 1,422 रुपया मिला है। अब दोस्तों कैसे इसको बनाना है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ऐसा बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100। तो 2 बार प्रिंसिपल है तो 2 बार कर लेंगे, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आर का वैल्यू पता कर लेंगे। हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, यानी आर का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग आइए निकालते हैं। तो ऐसा क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटा 100। अब पी कितना है जाबीर के लिए, 10,800। तो 10,800 रेट नहीं पता है और टाइम पता है 3 साल बटा 100 प्लस में। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा, 7,500 है कबीर के लिए। तो 7,500 गुना रेट हमें नहीं पता है और टाइम कितना है, 2 साल बटा में कितना, 100 बराबर कितना हो गया, तो कितना टोटल एससीआई है, सॉरी एसआई कितना है, टोटल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 1,422 है। तो बराबर में 1,422। तो उम्मीद कर रहा है दोस्तों कि आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया हमारा, तो 108 × 3 करते हैं, तो 8 × 3 = 24, 4 × 2 = 2 और 3 × 2 = 24 हो गया। आर है तो आर हो गया प्लस में, ये कितना हो गया, 75 × 2 कितना, तो 150 होता है, आर भी है यानी 150 आर हो गया। बराबर कितना हो गया हमारा, 1,422। अगर इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर लिख देते हैं, तो ये 4 हो गया, फिर 5 × 2 = 7 हो गया और 3 × 4 हो गया, यानी 474 हो गया दोस्तों। अब 474 बराबर 74 आर बराबर कितना हो गया, 1,422 हो गया। तो आर का वैल्यू कितना होगा, 1,422 बटा 474, यानी 3 बार में साइड कैंसिल होगा, 3 बार में। तो दोस्तों आर का वैल्यू कितना हो गया, 3% आर का वैल्यू हो गया, ये दोस्तों आप कैंसिल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। और ये प्रश्न हमारा SSC CGL Tier 1 2017 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया और कैसे इसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 82 करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन वाइज प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड्स प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। प्रश्न हमारा एसएससी सीएचएसएल डीयूएन एलईसी 2017 में पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स समय से साफ हुआ, आइए लिखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7,728 रुपया का साधारण ब्याज बन जाता है, तो यह राशि कितनी है हमें निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, हमें मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है आपको, और दिया गया है टाइम, दिया गया कितना दिया गया है 8 वर्ष यानी 8 ईयर दिया गया है, और दिया गया आपका जो क्या है रेट है वो कितना है 7% है। हमें क्या निकालना है, तो फिर ब्याज भी दिया गया है कि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, तो 7,728 रुपया, ये रुपया में दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये हमें रुपया में दिया गया है तो ऐसा हम लोग एसआई परसेंटेज जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो परसेंटेज के रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एसआई परसेंटेज बाबा क्या होता है, रेट गुना टाइम यानी दर को और समय को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा परसेंटेज में। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, रुपया में है और परसेंटेज में निकला जो उसको कंपेयर कर लेंगे, और हमेशा दोस्तों प्रिंसिपल कितना होता है तो 100% होता है, हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों 100% होता है। तो 100% का वैल्यू चाहिए हमें, तो रेट कितना है, तो रेट हमारा 7 है और टाइम कितना 8 है, यानी 8 गुना कितना है रेट हमारा 7% है, तो रेट की जगह 7 लिख दीजिए और टाइम कितना है 8 है, यानी 7% गुना 8 करेंगे तो हमारा एसआई परसेंट यानी साधारण ब्याज निकलेगा परसेंटेज में कितना निकलेगा, तो 56%, 8 से 3 कितना होता है 56। तो दोस्तों 56% बराबर कितना हो गया हमारा 7,728 हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें मूलधन राशि निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना है जो कि हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 56% बराबर 7,728 है तो कितना हो जाएगा 100%, तो 7,728 बटा में 56 और गुना में 100। तो सॉल्व करते हैं कितना आएगा दोस्तों, तो देखिए 2 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 28 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर कितना हो गया 25 हो गया, फिर 14 से काटते हैं तो 14 को 56, 14 को 70, फिर 14 को 70, फिर 14 28 यानी 552 गुने 25 हो गया। अगर 552 गुने 25 करते हैं दोस्तों तो क्या करना होगा हमें, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 5,52,00 बटा में 4, यानी 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं ना, तो वही मैंने किया 552 गुने 100/4, तो 552 100 हो गया बटा 4 कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 एक मतलब ये 15 हो गया, तो 4 3 12 और 4 8 32 यानी 13,800 रुपया दोस्तों आंसर हो गया। कितना हो गया, तो 13,800 रुपया आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है जो दोस्तों आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन 83 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 83 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय है, प्रयास कीजिए बनाने का। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार जरूर आप प्रयास कीजिए बनाने का। तो ये प्रश्न दोस्तों हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों यकीन मानिए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। एक व्यक्ति 7,900 की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3% 5% तथा 8% वाली तीन योजनाओं में निवेश करता है, यानी 7,900 कुल राशि है जो कि दोस्तों तीन योजनाएं हैं। पहला योजना में क्या है दोस्तों 3% का ब्याज मिल रहा है, दूसरा में 5% का और तीसरा में कितना 8% का। तो एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजना से समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी सभी योजनाएं जो हैं कुछ राशि होगा, जैसे 7,900 तीन राशि में बच चुका है। देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों मूल राशि है जो कि दोस्तों तीन राशि में बट चुका है। पहला राशि को मानते हैं P1, दूसरा राशि को P2 और तीसरा राशि को P3। अब सबका जो ब्याज है वो अलग अलग है, यानी जो दर है वो अलग अलग है,
पहला का है दोस्तों 3% रेट, और सेकेंड का कितना है दोस्तों 5% रेट है, और चौथा तीसरा कितना है 8% रेट है। और फिर बोल रहा है दोस्तों कि सभी को एक वर्ष के अंत में समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी P1 का 3% बराबर है P2 का 5% के, बराबर है P3 के 8% के, ये बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि हमें ब्याज मिल रहा है क्या बराबर मिल रहा है। 7900 राशि है मूल राशि है, जिसको तीन भागों में यानी तीन योजनाओं में इसको लगाना है। पहला योजना में 3% का ब्याज मिल रहा है, दूसरा में 5% का, और तीसरा में 8% का। अब फिर बोल रहा है कि समान एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के अंदर में पाते हैं कि सबको समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी P1 का 3% बराबर है P2 का 5% बराबर है P3 का 8%। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या दोस्तों कि बोल रहा है कि 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि रुपया में कितनी है, यानी इसका निकालना है, P1 का वैल्यू निकालना है कि P1 है कितना, ठीक है। कैसे निकालना है तो समझिएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3P1 हो गया बराबर में 5P2 हो गया बराबर में 8P3 हो गया। अब दोस्तों जब भी ऐसा कंडीशन आपको बने तो आप रेशियो निकाल सकते हैं, आप P1 P2 P3 का कैसे निकालना है तो समझिएगा, P1 रेशियो P2 रेशियो P3। अगर हमें P1 का निकालना है तो P1 को झांक दीजिए, बचा कौन 5 और 8, यानी P1 कितना हो गया 40 हो गया रेशियो। अगर P2 का निकालना है तो P2 को झांक दीजिए, बचा कौन 8 और 3, यानी 24 हो गया। अगर P3 का निकालना है तो P3 को झांक दीजिए, बचा कौन P2 और P1, यानी 5 और 3 15, मल्टीप्लाई करना है 5 3 15 हो गया। देखिए P1 का निकालना था 8 बजे 40, P2 का निकालना था 8 गुना 3 24, और P3 का निकालना है तो 5 गुना 3 15 हो गया। अब ये वैल्यू हो गया दोस्तों, P1 कितना हो गया 40 यूनिट हो गया, P2 कितना हो गया 24 यूनिट हो गया, और P3 कितना हो गया 15 यूनिट हो गया। अगर टोटल कितना है हमारा तो 7900 ये दोस्तों रुपया में है, और अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कितना यूनिट में आ जाएगा, तो जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा 5 4 9 और 9 हो गया 4 2 6 7, यानी 79 यूनिट आ गया। कितना यूनिट आ गया दोस्तों 79 यूनिट, और रुपया में कितना है हमारा टोटल तो 7900 है, यानी 79 यूनिट का हमारा वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है तो 7900 रुपया दिया गया है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 7900/79, यानी 100 रुपया हो जाएगा। हमें किसका निकालना है तो हमें निकालना है P1 का वैल्यू, जो P1 कितना है हमारा, तो P1 हमारा 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट बराबर 100 आ गया, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो गया 40 गुना 100 दोस्तों, ये आपका 4000 रुपया, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। हमें किसका निकालना था 3% वाला का, जो कि दोस्तों कौन सा है P1 है, तो P1 कितना है 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो गया 40 गुना 100, यानी 4000 रुपया आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन 83, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया हो कैसे सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 84 पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 84 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा SSC CLT 1 2017 में पूछा चुका है, तो दोस्तों एक बार जरूर प्रयास करें बनाने का। तो फ्रेंड्स समय समय समाप्त हुआ, देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को कैसे बनाना है। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर दोस्तों ये प्रश्न है, कैसे दोस्तों इसको जाने कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में 100 रुपये की राशि का एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया, और 2 साल के बाद उसे 20,240 रुपये की राशि प्राप्त की। तो 100 रुपये में क्या है, यानी आपको मूल राशि निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है आपको। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि पहला साल वो क्या निवेश कर रहा है दोस्तों, 10% पर निवेश कर रहा है, फिर दूसरा साल क्या कर रहा है दोस्तों 15% पर निवेश कर रहा है, और टोटल अमाउंट कितना है हमारा, तो टोटल अमाउंट 20,240 है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का हुआ, कैसे दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज में हमारा जो साधारण ब्याज है वो हर साल क्या होता है बराबर होता है, लेकिन यहाँ रेट ही चेंज कर रहा है, पहला साल 10% है, फिर दूसरा साल कितना है दोस्तों 15% रेट है, यानी उसी राशि पे पहला 10% रेट है, और फिर बढ़ जाता है 15% रहता है, यानी जो हमारा रेट है वो
चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पर्सन है। अगर सिंपल इंटरेस्ट का पर्सन था दोस्तों तो हमारा जो रेट है वो सेम रहता है, यानी पहला साल भी 10% रहता, फिर दूसरा साल भी 10% रहता, फिर तीसरा साल भी 10% रहता, यानी जितना साल रहता हमारा रेट है वो सेम रहता। लेकिन इस प्रश्न में पहला साल 10% है लेकिन दूसरा साल कितना है 15% है, तो ये प्रश्न दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का हुआ। तो इसको बनाना कैसे है दोस्तों समझिएगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया हमें, तो प्रिंसिपल दिया गया है 1 रुपया दिया गया है। अब दोस्तों समझिएगा रेट कितना है हमारा, तो पहला साल रेट है यानी फर्स्ट ईयर रेट है हमारा वो कितना है, तो रेट हमारा 10% है। अगर दूसरा साल का देखा जाए तो सेकेंड ईयर में रेट कितना है हमारा, तो रेट हमारा 15% है। अब दोस्तों आपको आंसर आ गया, एक जगह प्रिंसिपल लिखिए और एक जगह अमाउंट लिखिए, यानी अमाउंट में क्या होता है मूलधन होता है यानी जो आपको दिया गया है, और प्रिंसिपल में क्या होता है जो 1 रुपया दिया गया वो प्रिंसिपल हो गया। ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया और ये सेकेंड ईयर। अब क्या करना है आपको, 10% पहला साल में है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 10/100 यानी 1/10 होता है, यानी 10 आपका क्या है ये क्या शो कर रहा है, 10 हमारा अगर प्रिंसिपल है तो 1 का क्या है ये 1 इंटरेस्ट है, यानी अमाउंट यानी मिश्रण कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल 10 लिखिए और अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया यानी 1 जुट गया यानी 11 हो गया, 10 में 1 जुट गया यानी 11 हो गया। अब दूसरा साल कितना हो गया, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 15/100 होता है। अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, 3/20 आएगा, यानी अगर 20 प्रिंसिपल है तो 3 का इंटरेस्ट मिला यानी अमाउंट कितना हो गया, 23 हो गया। यहाँ 20 लिखिए और 3 जुट किया तो 23 हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल में प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दीजिए और अमाउंट में अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 10 × 20 कितना होता है, 200, और अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 11 × 23 करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 253 हो गया, 253। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना है हमारा, तो जो मिश्रण है टोटल जो हमारा मिला था मिश्रण वो कितना दिया गया आपको, तो दिया गया 20,240 रुपये हो जाती है, यानी 253 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 20,240। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा कितना बार से कट रहा है, तो 8 × 24 होता है, 4 × 2 = 8, 5 × 4 = 2। हाँ देखिए ये दोस्तों टोटल हमारा 253 से 8 बार में कट जा रहा, 10 यानी 80 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमें क्या निकालना है, 1 रुपया यानी मूलधन निकालना है, जो कि प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 200 यूनिट है, तो 1 यूनिट रबर कितना हो गया, काटे तो 1 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट रबर 80 हो गया। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल जो कि 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट रबर कितना हो जाएगा, 80 × 200 यानी कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 1 × 2 = 3 यानी 16,000 रुपया हमारा क्या हो गया, मूलधन राशि हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्रश्न जब भी दिखे तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जो आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 करेंगे, जो कि दोस्तों इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 85 इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकेंड समय थे, प्रयास कीजिए बनाने का क्वेश्चन को। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हम लोग बना चुके हैं, ठीक है, पहले भी इसी सेशन में दोस्तों, पेपर जरूर दिमाग लगाइएगा अपना। तो फ्रेंड्स समय समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही आसान है, बोल रहा है ₹1,750 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज दोनों बराबर है। यानी आपको जो राशि है 1,750 राशि है उसको 2 भागों में आप बांटे हैं, तो पहला भाग मान लीजिए P1 और दूसरा भाग मान लीजिए P2, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि दोनों का रेट अलग अलग है, पहला का P1 का रेट कितना है हमारा, तो रेट आपका पहला का 8% है और दूसरा कितना है 6% है, ठीक है। अब दोनों का दोस्तों 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है, यानी P1 का 8% बराबर है किसका, P2 के 6% के, यही बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है हमें क्या निकालना है, हमें जो ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो पूछ रहा है कितना ब्याज है, रुपया में कितना ब्याज है ये हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग,
तो P1 और P2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो काट लेते हैं, ये 2 × 8 हो गया और 2 × 3 6 हो गया, यानी P1 रेशियो अगर P2 निकालें तो कितना निकल जाएगा, P1 हमारा हो गया 3 यूनिट और P2 कितना हो गया हमारा 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब टोटल कितना हो गया, ये 7 यूनिट हो गया। अब 7 यूनिट और कितना है, 1750 है, तो यहाँ लिख देते हैं 7 यूनिट पावर कितना है हमारा, तो 1750 रुपये है। तो 1 यूनिट पावर कितना हो गया हमारा, तो 1750/7 यानी करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 7 × 14 7 रुपये यानी 250 रुपये आएगा। अगर हम P1 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, यानी हमको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है, अगर P1 का वैल्यू निकालते हैं जो कि 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट किसी इसका भी निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, तो साधारण ब्याज तो सेम ही होगा, तो इसका निकालते हैं 3 यूनिट बराबर, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 250 × 3 यानी 750 रुपये होगा। ये हमारा क्या निकल गया, मूलधन निकल के आ गया। अगर 750 का हम निकालते हैं दोस्तों 8%, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 1 × 0 = 2 × 8 हो गया, 2 + 10 = 50 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर 5 से 75 कितना बढ़े, 15 बार में, तो हमारा जो ब्याज निकल के आया दोस्तों कितना आया हमारा, 15 × 4 यानी 60 रुपया दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो एक बार और दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, 1750 रुपया कोई राशि है जिसको 2 भागों में बांटे, तो P1 और P2 हो गया। जो पहला भाग है उसमें रेट कितना है, 8% का है, और दूसरा भाग है उसमें रेट कितना है, 6% का है, और दोनों का जो साधारण ब्याज है वो सेम है। तो P1 का 8% बराबर किसके, P2 के 6% का, तो P1 × P2 कितना हो गया, तो हमारा हो गया 3/4 हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, राशि का निकल गया है कि राशि किस अनुपात में है, और टोटल राशि है कितना, तो 1750 यहाँ कितना है, 7 यूनिट है P1 + P2, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1750 रुपया हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1750 / 3 यानी कितना हो गया, सॉरी 7 बराबर कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। हमें कि निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, प्रिंसिपल चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट यार इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं प्रिंसिपल, तो हम मानते हैं कि इसको ले लेते हैं 3 यूनिट बराबर, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 250 × 3 यानी 750 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो P1 कितना है, 750 निकला, 750 का 8% कर दिए तो हमारा कितना निकल के आया, तो 60 रुपया दोस्तों निकल के आया। ये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, यही बोला था क्वेश्चन में। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था इस सेशन का लास्ट प्रश्न, उम्मीद करते हैं कि आज जो भी क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।